बढ़ते आगे खबरों में, और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। योगी सरकार ने राहत राशि जारी की है, 40 जिलों के लिए 120 करोड़ की राशि जारी की गई है। देखिए, लगातार बारिश का दौर जारी है और ऐसे में बारिश की वजह से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है और योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए दिशा निर्देश जो है अधिकारियों को भी देते हुए नजर आ रहे हैं और यूपी के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। योगी सरकार ने राहत राशि जारी की है और 40 जिलों के लिए 120 करोड़ की राहत राशि जो है वो जारी की गई है। तो लगातार देखिए बारिश हो रही है और बारिश की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के 40 जिले बाढ़ से प्रभावित है और योगी सरकार ने इसे लेकर राहत राशि दी है, यानी कि 120 करोड़ की सहायता राशि दी है। कई गांव में बाढ़ के पानी की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से जहाँ सड़कें थी वहाँ पर अब नाव चलती हुई नजर आ रही है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगे आप देख पाएंगे कि पानी का कब्जा हर तरफ, मकान में पानी घुस चुका है। गोरखपुर उत्तर प्रदेश की तस्वीर और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, योगी सरकार ने राहत राशि जारी की है 40 जिलों के लिए 120 करोड़ की राशि। लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। जी, हम बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं और खासतौर पर सीमावर्ती इलाका खासा प्रभावित है। भारत नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ पानी उत्तराखंड से भी आता है, पानी जो है वो बिहार की तरफ की नदियों से भी, नेपाल की नदियों से बहुत ज्यादा पानी जो है वो भारत की तरफ जब आता है तब यहाँ की नदियों का जलस्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद बाढ़ विभीषिका के प्रकोप में आसपास के तमाम सारे इलाके आ जाते हैं। सभी जिलों को जो है ये राशि दी गई, इसमें लखीमपुर, बारा बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, ऐसे तमाम सारे जिले हैं, सिलावा, पूर्वांचल के देवरिया जिले, ये सब जिले भी इसमें शामिल हैं, फरुखाबाद, बदायूं, अयोध्या, इन तमाम जिलों में भी जो है वो बाढ़ राशि के तहत जो सहायता राशि है वो उनको दी गई है। इसके अलावा महाराजगंज, बिजनौर, गाजीपुर, मऊ, अम्बेडकर नगर भी जैसे जिले हैं जहाँ को भी सहायता राशि राज्य सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए दी गई। बिल्कुल अवनीश, देखिए लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हो गई है तो बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि लोगों तक पहुंचे राहत उन्हें दे। किस तरह से अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है कि जनता को दिक्कत ना हो? कैंप लगाए गए हैं, पहले ही अलर्ट मोड पर कई जगहों में प्रशासन था, जहाँ नहीं हुआ वहाँ लापरवाही भी हुई, लोग फंसे भी, उनको भी निकाला गया। लेकिन ज्यादातर जगहों पर जो बात सामने आई वो ये कि बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पर या ऐसे सेफ्टी जोन बनाए गए जहाँ पर स्कूल कॉलेजेस को खाली करा करके वहाँ पर जो है लोगों को रखा गया ताकि उनके रहने, उनके जानमाल को नुकसान न पहुँच सके, उनके न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर जो उनके हैं, जो पालतू जानवर हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उनके चारे का कैसा प्रबंध किया जाए इसका भी इंतजाम किया गया। मेडिकल फैसिलिटी किस तरीके हो, क्योंकि आपको बताया बाढ़ विभीषिका में तमाम सारी ऐसी महामारी या जैसी बीमारियां भी प्रभाव में लेती हैं लोगों को, उनसे कैसे बचा जाए, उसका वैकल्पिक इंतजाम क्या हो, ये सारा इंतजाम भी जो है वो किया गया है। जी बिल्कुल अवनीश, देखिए जो 40 जिले हैं उनमें से कई संवेदनशील और अति संवेदनशील भी हैं, तो ऐसे में जो राहत राशि सरकार की तरफ से जारी की गई है इसका बंटवारा कैसे किया जाएगा, चिन्हित कैसे किया जाएगा और लोगों तक सुविधा कैसे पहुंचाई जाएगी? प्रभाव के आधार पर ही इसका चयन किया गया और इसीलिए दो कैटेगरी में कुछ जिलों को 5-5 करोड़ रुपए दिए गए, ज्यादा प्रभावित है, कुछ जिले जो कम प्रभावित है वहाँ 1-1 करोड़ रुपए दिए गए और ये एक मद है। इसके अलावा जिला प्रशासन के पास पहले से ही इस बात को लेकर एक फंड होता है। इसके अलावा जो राहत विभाग है उसकी तरफ से भी बजट की व्यवस्था की जाती है। इन तमाम चीजों के अलावा जो सिंचाई विभाग है या जो जल विभाग है उसकी तरफ से इंतजाम किए जाते हैं बंधों की मरम्मत के, बंधों के जो है उच्चीकरण के। इसके अलावा वहाँ पर पक्का यानी कि सरकार देखिए लगातार दिशा निर्देश दे रही है अधिकारियों की जो जहाँ पर बाढ़ से स्थिति खराब है वहाँ पर लोगों को सुविधाएं पहुंचाई जा सके। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए अवनीश बहुत बहुत शुक्रिया।